क्यों किया? क्या क्या बात है? क्या बोल रही है? क्यों किया? कट 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 आगे लो इन सर, इनकी तरफ देखो ना, कहाँ देख रहे हो? मतलब हद है यार, एक तो ग्लास तोड़ी, ऊपर से बैठ के यहाँ रो रही है ये। हे गाइस, तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मतलब अभी मैं कुछ देर पहले जगा और मतलब मुझे ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैम जो आएगी उसे संभालना है, तो मैंने संभाला उसे। वो 5:30 बजे आई सुबह में, जैसा कि बोला गया था कि वो लगभग 1:30 बजे तक आ जाएगी, लेकिन वो आई सुबह के 5:30 बजे। फिर मैंने उनको जो वो पीछे जो रूम देख रहे हो उसमें मैंने रुकवाया, और स्विमिंग पूल मतलब वो खाली पड़ा था जैसा कि आपने देखा कल वाले ब्लॉग में, तो इसको मैंने भरवाया। आप देख सकते हो अभी कुछ देर पहले बारिश भी हुई थी यहाँ पे, और भी ज़्यादा मौसम सुहाना होगा। कैमरा वाला अभी तक आया नहीं है, आया है बस सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट, जो मेकअप चल रहा है इधर हम लोगों का रूम में। तो मैं दिखाऊंगा आपको मेकअप कि कैसे किया जाता है एंड ऑल, मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से विजिट करवाऊंगा। और मैं जिस फिल्म सिटी मतलब जिस फार्म हाउस के अंदर हूँ उसका भी मैं एक पर्सनल ब्लॉग बनाऊंगा, सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से, सारा चीज़ एक्सप्लोर करवाऊंगा कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, सारा सेटअप मैं आपको विजिट करवाऊंगा, ठीक है? तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नहाने इसमें, तो करते हैं इंजॉय, ठीक है? तो गाइज बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ और मस्ती करना। फाइनली हमारा सब चीज़ हो चुका है रेडी, टाई हमारे हाथ में। ये एक ऑप्शन है, अगर यूज कर सकता है तो कर सकता है, अगर नहीं कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या है, क्या है, कैसे है। ये आप देख सकते हो हमारा पूरा सूट लोकेशन है, मतलब यहाँ से कैमरेज वगैरह पड़े हुए हैं। मैं दिखाता हूँ सारा चीज़ आपको, बारीकी से दिखाऊंगा। ये देखो पूरा पता नहीं क्या क्या है लगा यहाँ पे। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे सारा सिस्टम जो है वो रेडी हो रहा है शूटिंग के लिए। यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हो। और वहाँ कैमरा है, यहाँ लाइट है, वहाँ भैया बैठे हैं, और ये हमारे डायरेक्टर हैं सोनी जी, और उधर सिंगर सावरा जी बैठे हुए हैं, एंड उधर जो स्पोर्ट बॉय वगैरह सब बैठा हुआ है ऐसे, ये रवि भाई हैं और सावरा जी है। अब देख सकते, ये सोनी जी जो फर्स्ट डायरेक्टर है। ओके गाइस आप पीछे देख सकते हो सारा सेटअप रेडी हो चुका है। जो मॉडल है वो एक वहाँ खड़ा है, और दो मॉडलें जो है, जो लड़कियाँ हैं वो अंदर पड़ी हुई है, एक बाहर आई जिसका नाम निशा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको सबको दिखाऊँगा कि कैसे होता है शूटिंग, मतलब सारी शूटिंग मैं आप लोगों को दिखाऊँगा वीडियो में, इन तक बने रहना, ठीक है? गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से शूटिंग चल रही है, देख सकते हो आप ये मतलब सारी चीज बेस्ट हो रही है एकदम से। और ये जो एक्टिंग कर रही है ना यार, झक्कास, ऑसम।
साहिबा इसके बारे में मैं कुछ नहीं, बस ये बेचारी एक्टिंग जबरदस्त कर रही है, सारी चीज कंप्लीट कर रही है एक बार में, और जितना तारीफ करूं मैं कम है, क्योंकि बेस्ट एक्टिंग कर रही है यार। इधर सोनी जी बैठ रहे हैं एलईडी के ऊपर, पहले मैं बैठा था और मैं ही बैठूंगा इस पे, ठीक है, लेकिन अभी आए हैं तो ये बैठ रहे हैं क्योंकि ये मेन डायरेक्टर हैं। और गाइस देख सकते हो ये यहाँ जो चल रही है शूटिंग, हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सब हम लोग के ना गाने का एक पार्ट है, आप गाने को इंजॉय करना, बहुत ही मस्त गाना आने वाला है, मतलब हरियाणवी में एक पहला ऐसा सॉन्ग आने वाला है जिसमें आपको ये सब सीन दिखाया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा चीज़ कितने बेस्ट तरीके से हो रहा है। चलो भाई ख़त्म हो गया, और तो और ये बैठ जा मैम, बैठ जा मैम, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा मैम, थोड़ा सा बैठ जा, यस फिनिश। चलो कोई नहीं, आप थोड़ा सा इसमें भी देख लो कितनी बेस्ट हो रही है सारी चीज। और उधर चल रहा है शूटिंग, इधर मैं बैठा हूँ डिस्प्ले के ऊपर, मतलब सारी चीज़ को देखना, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब सीन को अच्छे से देखना, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और तो और गाइज फाइनली मतलब वो क्लिप रेडी हो चुका था, तो मैंने एक बार में उसको फिनिश किया, और मैम बहुत अच्छी एक्टिंग करके एक बार में फिनिश कर दी थी, तो आई देखने के लिए, मतलब इन्हें देखना था। तो आप देख सकते हो सोनी जी बगल में है, पीछे मैं हूँ, भैया हैं, और ये शावरा जी हमारे रवि भाई मेकअप आर्टिस्ट है, और वो सचिन वगैरह सब। और यहाँ हमारे गाने की चल रही है आधे से ज़्यादा की शूटिंग, देख सकते हो आप, हम थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो इसके नीचे कुछ कुछ दे के इनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, शायद मैम ने मेरी बातों को सुन लिया। यहाँ का जो हमारा शूट था, मतलब इस हॉल का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा शूट होगा मतलब रूम के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम में कैसे शूटिंग हो रहा है, ठीक है। और गाइज आप देख सकते हो यहाँ जो मतलब इंडोर में शूट हो रहा है किस तरह से हो रहा है। ना 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 रुला दे बेचारी को, सोनी भाई रुला दे, रुला दे, रुला दे, पाप लगेगा, पाप लगेगा आप लोगों को। और ये सेकेंड सीन है, ओ ले तोड़ी, नुकसान कर दी हमारा, गई हंस ले, नहीं नहीं हंस ले, कोई दिक्कत नहीं, ग्लास तोड़ के हंसो। इतना भी इंडोर शूट था वो कंप्लीट हो चुका, अब आउटडोर शूट होगा इस स्विमिंग पूल के पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मतलब हो रहा है, कैसे हो रहा है सारा चीज़, ठीक है। गैस आप देख सकते हो यहाँ पे मेकअप हो रहा है, और ये सेकेंड मॉडल है, उसकी मम्मी पीछे पड़ी हुई है, ये स्विमिंग के बगल में सूट होगा थोड़ा सा। और आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब कुछ कॉल पे कुछ ऐसे था, कॉल पे बातें करना था इसको चल के, ये सारा चीज़ अब देख सकते हो। मतलब यार गाना बहुत बेस्ट होने वाला है, आप ना विजिट करना गाने को जब रिलीज होगा तो, ठीक है। और गाइज लास्ट में हम लोग यहाँ पे आ गए, मतलब थोड़ा सा इंडोर का भी था, तो आप देख सकते हो मतलब अभी जस्ट वो पीछे में किचन है, और यहाँ से एंट्री आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा रोमांटिक सीन होने वाला है यहाँ पे, ये निशा जी क्या बात है, वाह वाह वाह। गाइज यहाँ बस लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है, जो थोड़ा सा नाइट में आउटडोर में होगा, आप देख सकते हो इधर निशा मैम वगैरह बैठी है साथ में, उनका वो बॉक्सर जो भी हो वो सब बैठे हुए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ बस लास्ट का थोड़ा सा सीन मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेचारी टहल रही है। और गाइज ये हमारा आखिरी शूट है, इसके बाद बस थोड़ा सा शूट कंप्लीट होगा सेकेंड मॉडल के साथ, उसके बाद पूरी वीडियोस हो जाएगी फिनिश, थोड़ा सा लास्ट में सिंगर का लिपसिंग होगा, उसके बाद मैं वीडियो को कर दूंगा एंड। ब्लॉग थोड़ी सी लंबी हो गई, लगभग 15-16 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा, बट मैं देखता हूँ कितना पेज आता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो सारा चीज़। और गाइस 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 एंट्री, आओ भाई, यस देखो आगे, वाओ नाइस मैन गाइस, वीडियो
बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है, जो इसका वीडियो आएगा, सॉन्ग जो रिलीज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग ना वीडियो को पूरा देखना, मतलब मैं सबको लिंक सेंड कर दूंगा, ओके। हम लोग को शूटिंग करते करते रात हो चुका है बस, और दो या तीन शूट बचा हुआ है, मतलब दो या तीन क्लिप बचा हुआ है। ये रवि भाई है जो कल मैंने बताया था, कल वाले ब्लॉग में बताया था। हम लोग फाइनली आखिरी शूट पे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा सिंगर का लिपसिंग होगा। मैं आपको सारा सेटअप दिखाता हूँ कि कहाँ पे कितना बेस्ट चीज़ है। आप देख सकते हो मेरे पीछे बियर बार है, और भी आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रम सेट पड़ा है। और गाइस आप देख सकते हो, ये तो मुझे पता नहीं कि धुआं कैसे किया गया, बट जो किया गया ना यार, वो सॉलिड था। और गाइस यहाँ पे सारा सेटअप है, पीछे पियानो वगैरह रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ ट्रॉली पे कैमरा आगे पीछे हो रहा है, सिंगर जी हमारे केबिन में पड़े हुए हैं जो स्टूडियो का है, और वे पीछे रेड लाइटें पड़ी हुई है, साइड में बियर बार है, मतलब सारा सेट है यहाँ, एक तरह से पूरा रेडी है। आप देख सकते हो पीछे लाइटें वगैरह लगी हुई है। और गाइज उम्मीद है कि अब मैं अपने ब्लॉग्स को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को और दिखा रहा हूँ एंगल चेंज करके, ठीक है। अब देख सकते हो किस तरह से शूटिंग हो रही है म्यूज़िक की। गाइज वीडियो ना काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मस्त बनने वाली है। आप लोग 15-20 दिन में ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगी, तो आप लोग ना बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। और आपको तो पता होगा ही, इसमें जो मॉडल थी एक स्वाति नाम की थी, और जो सेकेंड नहीं मतलब जो फर्स्ट मॉडल थी वो थी निशा भट्ट। आप इंस्टाग्राम पे इजीली सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कितनी ज़्यादा फेमस है। और सेकेंड मॉडल थी जिसको मैंने लिया था MX टकाटक से, वो भी थोड़ी सी है। तो गाइज हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ना लाइक सबके भी शेयर करें। थैंक यू।